हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसी मूवीज़ की जिसका कॉन्सेप्ट तो अलग है, बस एक ही चीज़ कॉमन है कि भाई हम लोग इसी वीडियो में उन दोनों ही मूवी का रिव्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, और ज़्यादा कुछ है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉम एंड जेरी द मूवी की, जो कि आज थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 40 मिनट की, और कहानी शुरू होती है टॉम से, जहाँ पर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता है, और ऐसे में वहाँ पर हो जाती है जेरी की एंट्री। और फिर उसके बाद उनके बीच में जो वो खेल है जो हम लोग बचपन में देखते थे वो शुरू हो जाता है। लेकिन भागते भागते जेरी एक होटल में घुस जाता है। उस होटल में जाने के बाद इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और इस मूवी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है जो हॉलीवुड वालों ने किया है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एकदम सही साबित हुआ है। पूरी की पूरी मूवी में आपको ऐसा लगता ही नहीं कि जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको फालतू में घुसड़ा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एकदम परफेक्ट एनिमेशन इस पूरी मूवी में देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से वो मेन एक्टर ही नहीं जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे उन लोगों के जो फेशियल रिएक्शन थे, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे ना, ऐसा लगता है वाकई में उनके सामने रियल में टॉम एंड जेरी खड़े। वहाँ पर ये मूवी का जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाता है। उसके अलावा इस मूवी में आपको टॉम एंड जेरी के अलावा दूसरे और कार्टून कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो मज़ा है वो डबल ट्रिपल चौबल देखने को मिलता है। साथ साथ टॉम एंड जेरी कार्टून से रिलेटेड आपके बचपन की बहुत सारी मेमोरीज होगी। तो जब आप लोग इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखोगे ना, तो वो आपकी मेमोरीज फिर से ताज़ी हो जाएगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर तो ये किसी ट्रीट से कम है नहीं। और हिंदी में होने की वजह से जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेगी। उसके अलावा इस मूवी की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन इस मूवी को इतने बड़े एक्सपेक्टेशन से कौन जाएगा कि यार हमें ऐसी कहानी देखने मिलेगी वैसी कहानी देखने मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं ना। एक सिंपल सी कहानी है जहाँ पर हमें मूवी में टॉम एंड जेरी के बहुत सारे ऐसे फनी मोमेंट्स देखने को मिल जाएगी जो हम लोग बचपन से चेरिश करते थे। और मूवी में BGM की बात करेंगे तो यार बहुत ही गजब के, स्टार्ट से लेके एंड तक जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है ना यार, एक अलग ही जोन में आपको लेकर चले जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यार जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत बहुत अच्छी तरह से निभाया। VFX फिर से बोल दो बहुत शानदार है यार, मज़ा आता है। और इंडियन वेडिंग भी देखने को मिलती है इस पूरी मूवी में, और जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कोई प्रियदर्शन सर की मूवी देख रहा हूँ। अब उनकी मूवीज़ में क्लाइमैक्स में क्या कुछ होता है वो तो आप लोग को थोड़ा तो अंदाज़ा होगा ना, तो बस वैसी वाली फीलिंग आपको इस मूवी में आती है। ये एक एंटरटेनिंग मूवी है जो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगी। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यार ये मूवी आप अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। हाँ, एक किसिंग सीन है, मगर हॉलीवुड मूवी में तो ये तो कॉमन ही होता है। और रेटिंग्स की बात करें तो यार 7/10। दूसरी मूवी एक मलयालम मूवी जिसका नाम है लव, ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 31 मिनट की, ये आपको मलयालम लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाती है। मूवी का जॉनर है थ्रिलर। कहानी फोकस करती है एक मैरिड कपल जिनका नाम है दीप्ति और अनूप। अब इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीप्ति प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात वो अनूप को बताना चाहती है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बाद कहानी में आ जाता है कि ज़बरदस्त ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो स्टार्टिंग में मूवी ऐसी लग रही थी यार इस पर तो आजकल बहुत सारी मूवीज़ बन रही है, लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से इस मूवी में बन जाता है, क्योंकि इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो टॉप नॉच की है। जो स्लो मोशन सीन्स यहाँ पर दिखाए या जिस तरीके से अलग अलग तरह से कैमरा एंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और उस पर जो BGM है सोने पे सुहागा। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टर्स देखने को नहीं मिलती है, हाँ बस 5 एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरी मूवी में अपने रोल को निभाया है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यार हर एक कैरेक्टर को इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, और हर एक चीज़ों को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मतलब कहीं ना कहीं मूवी कम रियलिटी ज़्यादा लगती है। और जब भी कोई मैरिड कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो यार दो ही ऑप्शन वो लोग चूज़ करते हैं, या तो फिर डिवोर्स या तो फिर मर्डर। और अगर आप लोग डिवोर्स चूज़ करोगे तो आपको समझ में आता है कि उसके बाद क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग सेकेंड ऑप्शन चूज़ करोगे तो फिर उसके बाद लाइफ किस तरीके से हो जाती है वो आप लोग यहाँ पर फील कर पाओगे। उसके अलावा इस मूवी की जो एंडिंग है, आप क्या आपके साथ जो भी बैठेगा इस मूवी को देखने के लिए वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा हमें इसके एंडिंग में वो देखने को मिलता है, और वहाँ पर मेरी आँख पूरी तरह से फटी की फटी रह गई।
और इसी वजह से मुझे ये मूवी दोबारा से देखनी पड़ेगी। सीरियसली आज मैंने ये मूवी दो बार देखी है और इसकी एंडिंग, बहुत सारे लोग इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो इसकी अलग अलग थियरीज निकल के आती है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यार ये मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से कुछ अलग हटकर मूवी आई है और तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर खालिद रहमान की, जिन्होंने अच्छी मूवी लिखी है और डायरेक्ट की है और एडिटिंग भी बहुत अच्छा है और एक एंगेजिंग मूवी बनाई है जिससे ऑडियंस कंटिन्यूस एंगेज रहे और क्लाइमैक्स में बस उनके तोते उड़ जाए कि भाई हुआ क्या। तो कुछ अगर अलग एक्सपीरियंस करना है तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यार मूवी में एडल्ट सीन तो देखने को नहीं मिला, हाँ थोड़ा बहुत वॉयलेंस है जो आप लोग अगर आपके घर में एडल्ट है तो ज़रूर देखना, बच्चे मुझे लगता है इस तरीके की मूवी से नहीं देखते, ना ही उनको पसंद आएगी। और रेटिंग्स की बात करेंगे तो यार 8 आउट ऑफ 10। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।